हेलो एवरीवन, अभी है ईद का जो है सेकंड डे एंड मेरा कुछ इस तरह से गुजर रहा है। मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया, कुछ भी तैयारी नहीं की और अभी हो रहे हैं 4 या 5 हो रहे हैं और जब से उठी हूँ मैं बस अपनी पिक्चर्स एडिट की हैं और फोटोग्राफर ने मुझे थोड़ा सा लेट पिक्चर्स दी तो वो मैंने काइंडली इग्नोर ही शोर। सो फोटोग्राफर ने मेरी थोड़ा लेट पिक्चर्स दी तो मैंने वो एडिट की, वो पोस्ट की। उसके बाद जो है ब्लॉग एडिट किया था डे वन का, वो पोस्ट किया। अभी जो है मैं सोच रही हूँ कि तैयार हो जाऊँ एंड जो है फिर भाभी की तरफ चलते हैं बिकॉज हमें छुटकी की भी बड़ी याद आ रही है। तो मैंने सोचा जाके थोड़ा भाभी से मिलशिल भी लेते हैं और उसके अलावा मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरी बहनें क्या कर रही हैं। ये आज ईद का जो है सेकेंड डे है, फिर भी इनका ज़रा दिन देखिएगा आप। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सबीना मैं आ रही हूँ। चलिए ये देखिए ईद का सेकंड डे और इनकी ईद कुछ इस तरह से गुजर रही है। ये आज ईद का सेकंड डे है आप लोगों का। रात को चलेंगे ना भाभी के पास, तो तैयार कब होंगे अपना स्पेशल डे तो मनाओ। वीडियो फोटोज इसको तो बंद करो। आप से मैं आपको पिक्चर्स मिली, पहले इसका वॉल्यूम कम करो थोड़ा, स्नैच का वॉल्यूम कम करो। पिक्चर्स मिली आपको? पिक्चर्स मिली लेकिन कम मिली है तो मैं सोच रही हूँ कल अपलोड करूंगी आज वीडियो को। और आपको कैसी लगी पिक्चर्स? बहुत अच्छी। तो एंड आप जो है उन्हें उनसे पिक्चर्स यू नो क्लिक करवाना चाहिए हमेशा। चलो जी, सबीना और उसकी तो दोस्ती हो गई है बहुत। रचना की भी मुझे पिक्चर्स नहीं मिली अभी तक। चलो जब आपको मिले तब आप बताना, ओके? मूड खराब मत करो। और ये इनका ईद सेकेंड डे कुछ इस तरह गुजर रहा है। चले बाय बाय। और जो लोग मुझसे पूछते हैं ना उन्हें खाली खाली सा लगता है। ये देखिए और ये मेरी अच्छी बच्ची आमना नमाज पढ़ रही है और मेरा रूम थोड़ा सा बिखरा हुआ है, इसको जो है मैं बाद में क्लीन करूँगी क्योंकि मुझे अभी भी तैयार होना है और बहुत सारा काम भी है। और इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए उनके सामान वामान पड़े हुए हैं। किचन में दिखा देती हूँ हमारी आमना की, किचन में दिखा देती हूँ हमारी आमना की अभी चाय बन रही है। इसका जो है मैं थोड़ा सा आँच कम कर देती हूँ, इसमें से पहले गिर जाए। और इसके अलावा मम्मी अबू अपने रूम में जो कहते ना आप लोगों का जो है मुझे भूल भुले या घर लगता है। तो चलें जी देख लिया और ये रही मैं। तो आज जो है मैंने आपको फुल अपना दिखा दिया कौन क्या कर रहा है, तब तो ये भूल भुले या नहीं लगेगा। चलिए अब मैं कुछ खाती पीती हूँ एंड देन फिर कर होती हूँ रेडी और फिर करते हैं हमारे ईद का सेकेंड डे शुरू। और हाँ जी, आप सबको दिल से ईद मुबारक, रोड की ये घोड़ मुबारक। गाइज ये मेरा कल जो है न्यू सेट आया था, आप लोगों ने देखा होगा, ये ईद स्पेशल था। और ये मेरी बहन सबीना ने तोड़ दिया, अब मैं इसे जोड़ रही हूँ कुछ इस तरह से। हमने देखा मैं कितनी सुगड़ूँ। जोर से बोलो। गुड, जोर से बोलो। और जोर से बोलो। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, गुलाबी आंखें। कुछ ऐसा ही जा रहा है मेरा ईद का सेकेंड डे। अभी जो है बस मैं कुछ भी नहीं किया, वैसे मैंने सोचा था कि मैं तैयार होंगी और अच्छी खासी से पिक्चर लूँगी, रेडी होंगी बिकॉज जो है मुझे सेकंड डे का आउटफिट भी था वो वन ऑफ माय फेवरेट है, मुझे बहुत प्यारा लगा था। वैसे मुझे वो ईद पे पहन फर्स्ट डे पे पहनना था बट वो जो है थोड़ा मुझे प्रेस वगैरह नहीं था तो मैंने दूसरा पहन लिया। अभी जो सेकेंड डे का था वो मैं नहीं पहन पाई, चलो जी वो कल कुछ ना कुछ कर लेंगे। अभी जो मैंने लेंस का वाटर वगैरह चेंज कर लिया है एंड उसके बाद ये कपड़े देखे मैंने निकाल के रखे थे, ये भी उठा के मैं सेट कर लेती हूँ, थोड़ा सा रूम साफ कर लेती हूँ। और ये भी देखे मैंने कब से आया हुआ है, इनको भी अनबॉक्स करना था, आफ्टर ईद कर लेंगे। और ये जो है अशर देखें, मतलब यार इतने सारे काम। तो बस आज जो है सेकेंड डे कुछ इस तरह ही गुजर रहा है हमारा। अभी बस मैं चाय बना रही हूँ और उसके बाद हम चाय इन्जॉय करेंगे एंड हमारा जो है मूवी सीन है, मूवी देख रहे हैं। अभी मैं आई हूँ बीच में चाय रखने। कुछ भी हो इन लोगों को ना चाय कंपलसरी होती है। The next day. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज ईद का थर्ड डे, तो आप सबको जो है मुबारक हो। अभी जो है मैं रेडी हो रही हूँ, मैंने सोचा थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लूँ और आके अपनी यूट्यूब फैम को थोड़ा हाय हेलो भी कर लूँ। और जो है वैसे तो मैं सेकेंड डे पे तैयार होने वाली थी पर नहीं हुई, सुस्ती बहुत थी और उसकी थोड़ी बहुत क्लिप्स भी लगा दूँगी। मेरी बहनें जो है ना बहुत ज़्यादा सुस्त है, वो कोई भी रेडी नहीं हो रहा था तो इसीलिए मेरा दिल भी नहीं किया। आज वैसे मैं जो है रेडी भी होंगी और हमारा जो है फैमिली डिनर भी है तो बाहर भी जाएंगे, वो सारा मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अभी जो है मैं फटाफट से रेडी होती हूँ और फिर आपको ड्रेस दिखाती हूँ और जब तक के लिए मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ इससे पहले कि सूरज चाचा भाग जाए। सो अब हो चुकी हूँ मैं रेडी एंड जो है मैंने ये मेकओवर किया है, मैं आपको ड्रेस भी दिखाती हूँ कौन सा ये अकॉर्डिंग टू ड्रेस मैंने मेकअप किया है।
होप सो अच्छा लग रहा है। तो चलें जी, बस अब जो है मैं चेंज करती हूँ, फटाफट से जो है अपना हेयर स्टाइल बनाती हूँ, फिर फोटोशूट करके आती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी जो है बहुत देर हो गई है, इससे पहले कि मेरी आमना का, मेरी फोटोग्राफर का मूड चेंज हो जाए। तो जल्दी से होती हूँ रेडी। वैसे ये जो है मेरे सेकंड ईद का ड्रेस था, पर मैं नहीं पहन पाई, तो अभी जो है थर्ड डे, तो अभी पहनती हूँ और जल्दी से जो है फोटोशूट करके आती हूँ। ये बहुत प्यारा है, इसकी डिटेलिंग वगैरह जो है मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी। सो मैं अब रेडी हूँ, ये देखिए मैंने चेंज कर लिया है एंड मैंने ये ड्रेस पहना है, मेकअप भी मेरा अच्छा लग रहा है। मैंने जो है इस ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये थोड़ा सा यहाँ पे वही लगा दिया है। सो ड्रेस जो है मैं पूरी यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूंगी और वीडियो भी, ताकि आपको आप देख लें। बाकी आई एम रियली लविंग दिस ड्रेस, इसका भी दिखाऊंगी। सब आ रहा है आपका, कैसी लग रही है? बहुत प्यारी, थैंक यू। सो अगेन मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। बाकी जो है सारे रेडी हो जाए, फिर जो हम सब के साथ आपको ईद मुबारक बोलेंगे। और एक्चुअली में अब ये मेरी ईद। सो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली डन विद सेकंड शूट, वो भी हो गया। ये मेकअप लेके कुछ इस तरह से अब अजाने आ रही है, नीचे जाते हैं इससे पहले कि हमें मास्क पर जाए। और आज मेरी शूट की पूरा क्रेडिट जाता है आमना को। सो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बस जो है ये बाल में गुजरे हो रहे, बस अजान आ रही है, अब दुपट्टा पहनती हूँ मैं, नीचे चलते हैं। बाकी का जो शूट वूट है वो मैं आप लोग को नीचे दिखाऊंगी। एंड ईद मुबारक एवरीवन। अब मैं जो है ये अपनी सैंडल चेंज कर लूँ, उफ, ये जो हील है ना बड़े पाँव में दर्द करती है। बैक टू द रियलिटी, इन्हें उठाते हैं हम हाथ में, चलते हैं अब। घर ये रही आमना, जिसने मेरे सारा कुछ इस तरह से हो रहा है हमारा। चलो जी चलो। एंड एक्चुअली हम लविंग में मेकअप। चलो अब नीचे हलम ना छुट्टी करो, अब बस लेट पे आ जाए ना, नीचे जाए। ये देखो इसकी काम। चलो अभी आमना अब चलते हैं नीचे। चलो जी हम आ गए, यूँ अपना सामान समेट के अब चलते हैं घर। देखो शर्म, चलो रखते हैं अपना सामान। ये देखिए सारा मैं फैला के गई हूँ, एक वीडियो के चक्कर में, आई मीन एक फोटोज़ के चक्कर में। उफ, पसीना पसीना हो गई मैं। बदराम लविंग में ड्रेस है, मेकअप अभी तो गुजरी हो गई, थोड़ा सेट होके आती हूँ। है मेरी तरफ से आप सबको ईद का थर्ड डे मुबारक हो। एंड बताएं कैसे हैं आप सब, ईद कैसी रही है आप लोगों की, एंड क्या क्या किया ईद पे, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बताइएगा। बाकी ये सारा मेकअप वेकअप भी मुझे समेटना है, सारी मैंने किच फैला दी हुई है, तो ये भी सारा क्लीन कर रहा हूँ। बाकी फिर मिलती हूँ। यार मुझे वीडियो बनाने में सोच रही हूँ उसमें ना जो है ये यूज़ कर लूँ, बिकॉज़ ये जो है ना इतना फीका फीका सा मुझे लग रहा है। मतलब ईद है, कुछ वीडियो में इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो कुछ स्पेशल हो जाए, कुछ अच्छा सा लगे, तो अभी मैं जाकर बनाती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। चलिए जी चलते हैं, अब करते हैं वीडियो की तैयारी। फ़ोटोज़ तो डन हो गए थैंक्स टू आमना। अब ये सारी खिंच उठाऊँ फिर से। ये रीमा अपना शूट करवाते हुए आमना से, पहले हम छत पे करवा के आए, फिर यही कर रहे हैं कि इनको वो पसंद नहीं है। फाइनली वीडियो बना ली मैंने, एडिट भी कर ली, पोस्ट भी कर ली। एंड लुक एट माय थकावट फेस, मैंने सुबह से जो है सहा नाश्ता किया था, पर मतलब दोपहर का कुछ नहीं खाया और अभी भी कुछ नहीं खाया, तो मुझे बहुत भूख लगी, सोच रही अभी कुछ खा लूँ और उसके बाद जो है बाकी के काम करते हैं। ये डिटेलिंग दिखा दो, लुक एट दिस नेकलेस, ये कितना प्यारा लग रहा है। एंड एयर रिंग, ये जो है ये खुद बनाती हैं, तो उनका पेज वगैरह जो है मैं टेक कर दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा, या फिर मैं ऐसा करूँगी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड इससे पहले कि सब मुझसे लेंसेज का पूछे, वो भी जो है मैं इंस्टाग्राम पोस्ट में डाल दूँगी, तो आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा। बाकी आई एम जस्ट लविंग माई आईज, मुझे बहुत प्यारी लग रही है, मतलब खुद पे यू नो प्राउड फील हो रहा है कि मैंने कितनी अच्छी बनाई इस ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करते हुए। चलो जी, मेरा तो दिल नहीं कर रहा मैं कपड़े चेंज करूँ, और मेरी बहनें कोई तैयार नहीं हुई, इसीलिए मैंने आपको नहीं दिखाया, कोई भी तैयार नहीं, सबको मैंने बोला था तैयार हो जाए, सबने हाँ हाँ बोला, और उसके बाद यही कि क्या तैयार हो कहाँ जाएंगे। अभी एक्चुअली हमारा था डिनर का प्लान, लेकिन अम्मी की जो है तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए हम बाहर भी नहीं जा पाए, तो बस इसीलिए कोई तैयार भी नहीं हुआ, सिर्फ मैं तैयार हूँ, घूम फिर रही हूँ और वीडियो बनाई, पिक्चर्स ली,
जब तक ये व्लॉग डालूंगी तब तक मैं पोस्ट कर चुकी होंगी, सो जाके मेरी जो है उस पोस्ट को लव दें। बाकी किच विच सारी जो भी थी आमना ने उठाई, थैंक्स टू आमना, मेरे बहुत सारे काम वो करती है। देखो मैं ड्रेस चेंज करती हूँ या नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। अभी जो है मैं नेकलेस उतारती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, कुछ खा पी लूँ, मेकअप एज यूजुअल। सिर्फ तैयार होके भूतनियों की तरह मैं घर में घूम रही हूँ और यहाँ पे कोई भी तैयार नहीं हुआ, सभी ने चाय बना रही। ये देखें सभी ने चाय बना रही है, अब न्यूज़ सुन रहे, न्यूज़ की तो आवाज़ आ रही होगी। और अम्मी ने बहुत ही अच्छा मटन पुलाव बनाया है, तो चले हमला करते हैं हम अपने मटन पुलाव पे। तो मैंने ये यमी यमी से मटन पुलाव निकाला, अम्मी ने ये मटन पुलाव बनाया था, अभी चल के इंजॉय करती हूँ मैं अपना मटन पुलाव, जब तक सभी की चाय बन जाए फिर पियेंगे चाय। चाय गिरने वाली है, बिस्मिल्लाह, देख के भी नहीं जाती। रुक मैं गिरी, और यहाँ पे ये तीसरे दिन भी ये लोग मूवी देख रहे हैं। अभी 2 किलो का नेकलेस मैं उतारू अपना, आराम से टूट ना जाए। बस अब वापस रखते हैं ज्वेलरी हमारी। थैंक्स फॉर गिविंग मी अ गुड लुक। और अब करती हूँ मैं चेंज, बहुत थक चुकी हूँ, फिर पीती हूँ चाय और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। जी मैंने चेंज कर लिया, फीलिंग सो रिलैक्स्ड। अब जो है बस मैं अपनी लेंस उतारूँगी और मेकअप जो है बाद में उतारूँगी, मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए लेंस उतारती हूँ अपने। आई वॉर इन दी शेड एलोवेरा, ये वाले लेंस पहने थे, ये जो है उनका पेज इंस्टाग्राम पर टेक करूँगी, अगर आपको चाहिए तो लिंक में डाल दूँगी, ठीक है। हो गई बम रिलैक्स्ड, एंड मैंने इनमें जो है फ्रेश वाटर डाला है, अब करते हैं बंद। अब मैं पीती अपनी चाय एंड देखती हूँ। और ये मैडम अपनी चाय एंजॉय करते हुए फुल मेकअप के साथ। आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, आपको तो पता ही होगा, मैं सारा शेयर कर दूँ। आज मुझे इतनी बड़ी मेहनत की है, वीडियो बनाई, पिक्चर्स भी खोल दे, एडिट करके पोस्ट भी कर दी मैंने। वाह, ये होती है हिम्मत। और आज मेरी बहनों में से कोई भी तैयार नहीं हुआ और सब ने मुझे कूड़ बोल के, झूठ बोल के, हाँ हाँ करके कटा। अबे भाई क्या तैयार हो, पूछता ही नहीं। ईद तो ईद है ना, ईद पे सबको तैयार होना चाहिए। मेरा कल इंशाल्लाह, मेरा बस चलता, मैं ड्रेस पहन के ज्वेलरी पहन के बैठी रहती। आज अम्मी की तबीयत सही नहीं थी ना इसलिए। चलें देखते हैं कल का भी इनका। तो जी ये व्लॉग करती मैं यहीं पे एंड। और अभी जो है मैंने ओलिंग शेलिंग की है, थोड़ा हेयर केयर भी करना ज़रूरी है बिकॉज मैंने बाल जो है स्ट्रेट किए थे, अब जाके मैं करती हूँ आराम। अभी हो रहे रात के 2 या 1 हो रहा है समथिंग, तो बस इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे फिर न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, एंड मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा। अभी मैं बहुत स्लीपी हूँ, सो गुड नाइट एवरी वन।